हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल सब क्यूरी के वीडियो में। तो इस वीडियो में सब क्यूरी जितनी भी प्रकार की होती अपन सबके एग्जांपल लेकर समझने वाले हैं। एंड अपन देखेंगे जो इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं एंड उनका आंसर कैसे देना है। जैसे कोई भी आप मल्टीपल तरीके से आप आंसर दे सकते हैं, जैसे सब क्यूरी या ज्वाइंस है। तो हो सकता है आपको जो इंटरव्यूअर रहेगा वो पूछेगा कि मुझे ज्वाइंस से नहीं सब क्यूरी से देना है। तो इस तरह के काफ़ी सारे एग्जाम्पल लेंगे अपन, उनको समझेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। तो मोस्टली जो सब क्यूरी रहती है वो अपन क्या तीन तरह की रहती है। या तो एक क्या हो सकता है सोर्स ऑफ वैल्यू, तो जिसमें अपन क्या करेंगे कि जो विद इन जो सेलेक्ट रहेगा उसके अंदर ही आपको एक वैल्यू लेना है। तो ये हमेशा क्या रहेगा आपका, एवरी रो में एक सिंगल वैल्यू मिलेगा आपको। तो यदि मेरा एक रो है ए वन वैल्यू टू, तो इसमें एक और वैल्यू चाहिए जो कि मेरा सब क्यूरी से आ रहा है, तो ये विद इन सेलेक्ट में एक सब क्यूरी रहेगा। एक दूसरा रह सकता है आपका कि सोर्स ऑफ रो, जब आप इसके ज्वाइन लिखेंगे तो आपके दो डिफरेंट ज्वाइन रहेंगे, उसके अंदर आप एक सब क्यूरी लिख सकते हैं यहाँ पे एंड उसको एक एलियास दे सकते हैं। एक दूसरा ज्वाइन रह सकता है जिसके अंदर एक दूसरी सब क्यूरी रह सकती है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, सोर्स ऑफ रो। मतलब यहाँ पे मेरे 100 रो मल्टीपल रो आ सकते हैं, यहाँ पर मेरे 200 मल्टीपल रो, इस तरह से वैल्यू आएगी एंड इन दोनों को आप ज्वाइन कर पाएंगे, जिसको बोलेंगे अपन सेकेंड नंबर का सोर्स ऑफ रो। थर्ड नंबर का क्या रहेगा, सोर्स ऑफ कॉलम, कि जहाँ पे एक कॉलम के ऊपर आप कंडीशन लगाएंगे। तो मोस्टली क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, अधिकतर यूज करते हैं वेयर कंडीशन में, कि जो रहा मेरा A1 ID है उसको मुझे सेम टेबल या कोई दूसरी टेबल से उसके साथ ज्वाइन करना है। तो अपन में करेंगे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक टेबल है ABC वेयर A1 ID इन, जो इनके बाद जो आ रहा है इसको अपन सब क्यूरी बोलेंगे, जो कि दूसरी टेबल है जहाँ पे एक या मल्टीपल सब क्यूरी अपन लिख सकते हैं। तो मोस्टली अपने पास ये तीन ही ऑप्शन रहेंगे कि विद इन सेलेक्ट, दूसरा ज्वाइन की तरह एंड थर्ड नंबर का वेयर की तरह आप यूज कर सकते हैं। अभी जब जो वेयर रहेगा यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन रह सकते हैं कि आप इन नॉट इन। तो यहाँ पे देखिए मैंने कंप्लीट इसका डिटेल दिया है, इनको अपन लेके समझेंगे भी। तो क्या क्या हो सकता है आपके पास, जैसे ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, दूसरा हो सकता है ऑल, ग्रेटर देन ऑल, लेस देन ऑल, या एनी, या इन नॉट इन। इनको सबको अपन जब पीजी एडमिन ओपन करेंगे तो उसमें एकदम डिटेल में समझेंगे। तो इस बार अपन नया क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि अपन एक डायग्राम भी ओपन करेंगे, उसमें समझेंगे, उसके बाद अपन पीजी एडमिन। तो आपको स्विच करेंगे तो आपको क्लियर होगा, पहले एक्सप्लेन करूंगा एंड देन अपन स्विच करेंगे। इस प्रकार से इस तरह का अपन एग्जाम्पल लेंगे एंड समझेंगे। तो चलिए पहले डायग्राम देखते हैं एंड अपन पीजी एडमिन में स्विच करते हैं। तो चलिए जो डायग्राम ओपन किया है तो अपन ये तीन अपन ने समझाया। तो सबसे पहले अपन समझते हैं ये सोर्स ऑफ वैल्यू। तो जहाँ पे अपन देख रहे हैं कि जो वैल्यू है मेरी वो विद इन सेलेक्ट क्वेरी में आया, तो सेलेक्ट A1 वैल्यू A1 वैल्यू 2 एंड उसके बाद सेलेक्ट। यदि अपन इसको प्रॉपर डायग्राम में समझें तो अपन क्या करना चाह रहे हैं कि मेरे पास एक टेबल है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास टेबल है फ्रॉम रेटिंग टेबल से, जहाँ पर मैंने रैम नेम उठाया हूँ, ID उठाया हूँ एंड एक वैल्यू मुझे चाहिए जो कि सिंगल वैल्यू है जहाँ पे कि मेरा सब क्यूरी से आना चाहिए। तो उसको मैं बोल रहा हूँ सब क्यूरी से एक वैल्यू है कि मेरा जो है ग्रुप बाय या सम। तो यहाँ पे एक कंडीशन रहेगी कि जो वैल्यू रिटर्न करेगी वो सिंगल वैल्यू करना चाहिए, क्योंकि आप एक रो की बात कर रहे हैं एंड आपका जो ग्रुप बाय है वो सिंगल रो रिटर्न करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अपन जब एग्जांपल लेंगे तो अपन देखेंगे कि मल्टीपल रो रिटर्न करेगा तब क्या होगा, वो सिंगल रो। तो इसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं पीजी एडमिन को ओपन करके। तो अपन करते हैं पीजी एडमिन ओपन। तो चलिए अपना जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो समझते हैं। तो अभी एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, हो सकता है ये जो सिर्फ मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ किस तरह से यूज होता है, ये हो सकता है इसके आप अलग ऑप्शन भी रहेंगे, लेकिन ये समझ रहे हैं कि अपन सब क्यूरी किस तरह से यूज होता है। एकदम सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन अब जब रियल लाइफ में लिखेंगे तो इसको अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अपना एक सिंपल, अपन ने जो एक ऑर्डर वाला टेबल था मैंने उसको लिया है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो टेस्ट डॉट ऑर्डर। तो इस तरह के अपने पास ऑर्डर है। अभी अपने को एक क्यूरी लिखना है कि मेरे पास जो ऑर्डर ID, अमाउंट, कस्ट ID रहे एंड एक और कॉलम जनरेट हो सब क्यूरीज है जहाँ पे कि मेरा मैक्स अमाउंट आए, जहाँ पे कि मेरा हर रो में एवरी रो मुझे मैक्स अमाउंट चाहिए इसी टेबल से। तो क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले मेरा रहेगा कि यहाँ पे मुझे ऑर्डर ID, तो सिंपल ऑर्डर ID लिख दूंगा। इसके बाद अमाउंट अमाउंट एंड मैं बोल रहा हूँ कस्ट ID, कस्ट अंडर स्कोर
आईडी। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है उसको मैं बोल रहा हूँ कि मैं सब क्वेरी से जनरेट करूँ। तो सब क्वेरी के लिए क्या है, मेरा ये एक ब्रैकेट लगा देंगे। तो सबसे पहले अपन नीचे सब क्वेरी लिख देते हैं जहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि जो मैक्स वैल्यू है इनमें से वो आए। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट मैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट होगा, फ्रॉम माय टेबल नेम। तो टेबल क्या है, डेमो टेस्ट डॉट ऑर्डर, एंड जो वैल्यू बोल रहा हूँ मैक्स वो है मेरा अमाउंट। तो जो अमाउंट आ रहा है इस अमाउंट को अपने को ईच रो में दिखाना है। तो ये आ गया, देखिए अपना क्या था कि वैल्यू यूजिंग सब क्वेरी, जहाँ पे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो वन रो। तो यहाँ पे देखिए मेरा 500 आ रहा है, मतलब सिंगल रो रिटर्न कर रहा है, मतलब ये मेरा सब क्वेरी के अंदर काम करना चाहिए यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा कि इस सब क्वेरी को उठा के इसको मैं करता हूँ कट, एंड सेलेक्ट के अंदर मैं इसको लिखता हूँ, ये मेरा सब क्वेरी बन गया। इसको अपन दे देते हैं एलियास नेम, इसको बोलेंगे मैक्स अमाउंट फॉर ईच रो, इस तरह का भी लिख सकते हैं लेकिन मैक्स अमाउंट। रन करके देखते हैं तो क्या होना चाहिए कि जो ऑर्डर आईडी है, अमाउंट है, कास्ट आईडी है, एंड कैलकुलेट करके सब क्यूरी के थ्रू मेरे को मैक्स अमाउंट मिले। रन करके देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए तो क्या किया उसने, पहला रो था मेरा 1104, ये तो मेरे सेम थे जो सेलेक्ट क्यूरी से आ रहे थे। तो लास्ट कॉलम है जहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया हूँ, ये मैक्स एवरेज कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या किया है उसने, जो मैक्स है इसमें क्या है मेरा 500, उसको यहाँ पे उसने दिखा दिया है। तो इस तरह से एक सब क्यूरी, इस तरह से मैंने यहाँ पे जो कि सेलेक्ट क्यूरी के अंदर ही एक सब क्यूरी बना के लिख दी है। मज़ा आया। ये कोई दूसरा टेबल भी हो सकता है आपकी सिचुएशन में, लेकिन अपन ने अभी समझने के लिए उसी टेबल को मैक्स अमाउंट लिया। यहाँ पे आप एवरेज, मिन कुछ भी लिख सकते हैं, एबीजी लिखूंगा तो मेरा एवरेज अमाउंट हो जाएगा। तो क्या करेगा, इन सबको ऐड करके उसमें जो नंबर ऑफ रो है उसने डिवाइड करेगा, तो जो एवरेज आएगा 206। मिन करेंगे, जो मिन अमाउंट है आई थिंक 20 या 10 कितना था देखते हैं, वो मिन अमाउंट सब रो के लिए दिखाएगा 20। ये देखिए, तो ये जो फर्स्ट कंडीशन थी ये उसके लिए, सोर्स ऑफ वैल्यू यूजिंग सब क्वेरी एवरी रो। अभी अपन ने दूसरा कंडीशन समझा था कि इसमें ये मैंडेटरी है कि ये जो रिटर्न कर रहा है ये सिंगल क्वेरी कर रहा है, यदि मल्टी रो करेगा तब क्या होगा, तो ये एरर आना चाहिए। तो इस तरह का है कि मेरे को अमाउंट एक कोई दूसरी टेबल से लाना है, यदि मैं इस तरह से लिख दूंगा और उसमें मल्टीपल रो आएंगे। यदि मैं इस अंदर वाले को रन कर रहा हूँ यहाँ पर, तो देखिए मेरे पास 8 रो आ रहे हैं, जबकि मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, मैं जब भी इसको यूज़ करूँगा हमेशा मेरे पास एक सिंगल रिजल्ट आना चाहिए, तो इस समय पे ये एरर देना चाहिए। रन करते हैं, ये देखिए क्या बोलेगा, मोर देन वन रो रिटर्न वाई सब क्वेरी यूज ए एक्सप्रेशन। तो जब भी आप इस तरह से यूज करेंगे तो इसका क्या सिचुएशन रहनी चाहिए कि आपका एक रो। तो जनरली जो एवरेज फंक्शन रहते हैं, मैक्स मिन या कुछ सब स्ट्रिंग करेंगे, या वेयर कंडीशन में, या वेयर इक्वल टू, या दूसरा कंडीशन हो सकता है कि वेयर जहाँ पे कि एक ही रो आए। तो एक तो ये हो सकता है, या दूसरा इस तरह का हो सकता है मेरा कि अमाउंट यहाँ पर यदि मैं इसको रन करूँ सेलेक्ट क्वेरी, तो एक फिल्टर कंडीशन जो कि मेरी प्राइमरी कीप है वेयर कंडीशन में आए, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इस टेबल, एंड जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ऑर्डर आईडी वेयर ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ कि 11 नंबर। तो मुझे मालूम है हमेशा मुझे डिस्प्ले करना हर रो में जो 11 से आ रहा है। तो यदि मैं इसको सेलेक्ट क्वेरी रन करूँगा तो जो अमाउंट आएगा, यदि मेरे पास सिंगल रो आ रहा है 100% मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। नाउ इसको अपन रन कर देंगे, तो आपके पास जो 100 है वो हर वैल्यू के साथ आपका 100 आ जाएगा। एंड इसको अपन को क्या दिखाना है, इसको एज ए मैक्स क्वेरी इसको रन करेंगे, नीचे वाले को कमेंट कर, ये देखिए मैक्स का 100 सबके साथ आ जाएगा। तो ये अपना फर्स्ट कंडीशन था, अभी अपन समझते हैं सेकेंड कंडीशन। तो सेकेंड कंडीशन अपन क्या बोल रहा है, ये सोर्स ऑफ रो। तो अपन इसको पहले पीजी एडमिन में समझेंगे। तो क्या कंडीशन है कि जो फ्रॉम कंडीशन रहेंगे उसमें मल्टीपल आपके सब क्यूरी रहेंगे, कि एक सब क्यूरी रहेगा, सेकेंड सब क्यूरी रहेगा, एंड दोनों सब क्यूरी का जो डेटा रहेगा वो अपन उसको यूज करेंगे। तो ये कब काम में आता है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है कि जहाँ पे आपके पास
कि जो टेबल वन है यहाँ पे मेरे पास 10 मिलियन रिकॉर्ड है फॉर एग्जांपल, सेकंड क्यूरी है वहाँ पे मेरे पास 20 मिलियन रिकॉर्ड है, लेकिन आपको जो ज्वाइन कंडीशन करना है वो एग्जैक्ट लिखा 1000 रिकॉर्ड ही चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसके मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन एक सब क्यूरी में क्या करेंगे, एक सेलेक्ट क्यूरी लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ ऐसा क्यूरी लिखेंगे कि वो 1000 आए, सेकंड क्यूरी ऐसे लिखेंगे जो 1000 से रिलेटेड रिकॉर्ड है वो आए एंड ज्वाइन करेंगे, तो आपका जो 10000 या 10 मिलियन का जो रिकॉर्ड है वो उस क्यूरी परफॉर्मेंट फास्ट होगा, तो एक सिनेरियो हो सकता है, तो अपन उसको समझते हैं। तो अपन पीजी एडमिन ओपन करते हैं एंड इस क्वेरी को समझते हैं। इसके लिए अपन को एक नया रखते हैं, अपन ने जो कॉपी करके लाया इसको लिख देते हैं इस सोर्स ऑफ रो विथ टू क्वेरी के लिए टू ज्वाइन। तो अपने पास एक जो मूवी वाला टेबल था अपन उसको यूज करते हैं, क्योंकि अपन ने क्या था उसकी रेटिंग थी एंड मूवी था, तो अपन उसको ड्रैग कर लेते। एक अपने पास था मूवी एंड सेकेंड नंबर का जो टेबल था अपने पास जो मूवी है उनकी रेटिंग था, तो अपने पास जो रिजल्ट है वो इनका काफ़ी बड़ा है। पहले देख लेते हैं कि अपन किस तरह का क्यूरी लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ लिखते हैं क्या था अपना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल, तो मैं ज़्यादा डेटा हो सकता है इसको मैं रखता हूँ लिमिट 10 एंड आप इसको रन करते हैं सेलेक्ट, तो इसको आप रन करेंगे तो आपके पास इस तरह का डेटा है मूवी आईडी 1 से लेकर 10। तो अपन एक काम कंडीशन कर सकते हैं, जो सब क्यूरी लिखेंगे अपन इस कंडीशन में लिखेंगे कि सिर्फ जो फर्स्ट मूवी है, फर्स्ट 100 मूवी की बात कर रहा हूँ मैं, इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो अपन बोलेंगे वेयर जो मूवी आईडी है, मूवी आईडी इसको अपन डालते हैं बिटवीन 1 to 100, 1 and 100 एंड अपना जो ब्रैकेट है कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से मूवी आईडी बिटवीन 1 to 100 इसको आप रन करेंगे तो आपके देखिए 100 रिकॉर्ड आ गए। तो अभी देखिए इसका क्या एडवांटेज है, 1 to 100 मतलब 99 रिकॉर्ड का रो आ गए। अभी सिर्फ मुझे जो रिक्वायरमेंट थी सिर्फ 99 रिकॉर्ड पे थी, अदरवाइज मुझे क्या करना रहता कि जो टोटल काउंट है उसके ऊपर मेरा पूरा ज्वाइन रहता। तो ये एक मेरा सब क्वेरी बन गया, यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास कितने रिकॉर्ड है 496, जबकि मुझे 99 ही चाहिए थे, तो मैंने क्या किया है इसको एक सब क्वेरी बना दिया है मैंने, इसको मैं बोलूँगा एक सब क्वेरी, यहाँ पे इसको मैं रख देता हूँ एक ब्रैकेट एंड यहाँ पे ब्रैकेट, इसको नाम दे देते एस अवर टॉप 99 मूव, एक एलियास का नाम हो गया। अभी दूसरा क्वेरी है मेरा रेटिंग के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए रेटिंग अपने पास ऑलमोस्ट सेलेक्ट काउंट 1 फ्रॉम, पहले स्टार करके देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह का डेटा है एंड उस हिसाब से इसको अपन सेकंड क्यूरी लिखेंगे एंड दोनों को ज्वाइन करेंगे। इसमें भी लिमिट 10 डाल देता हूँ मैं एंड इसको अपन देखते हैं, यहाँ पे देखिए आपका यूजर आईडी आया है कि किस यूजर ने दिया है, मूवी आईडी है यहाँ पे एंड आपके पास क्या है रेटिंग है एंड ए है। तो यदि आपको देखना है पर्टिकुलर डेट के लिए तो ये डेट फॉर्मेट अपन ने ऑलरेडी कन्वर्ट किया है, यदि कोई पर्टिकुलर डेट है आप यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं या दूसरा रेटिंग है। तो अपन एक समझ लेते हैं कि जो मूवी आईडी है यहाँ पे अपन ने क्या लिया है 1 से 100 लिया है, तो इसको इस सेम ज्वाइन अपन यहाँ पर भी सिर्फ 100 मूवी की बात करते हैं 99 की, तो यहाँ पर भी अपन सेम कंडीशन लगा देते हैं कि मेरा जो मूवी आईडी है वो बिटवीन क्या आए ये 1 to 99 की जो रेटिंग है उनको दिखाए। रन कर लेते हैं, ये देखिए अपना करीबन कितना 8 लाख लगभग रेटिंग है, तो मैं इसको फुल स्क्रीन पर डाल देता हूँ, यहाँ पे फुल स्क्रीन पे आपको पूरा रिकॉर्ड दिखेगा, तो ये फुल स्क्रीन डाल दिया, कितने हैं अपने पास देखिए 8 लाख रिकॉर्ड। तो यदि काउंट मारेंगे सो यहाँ पे मेरे पास कितना है 1 से जो 100 मूवी का रिव्यू है वो लगभग 8 लाख आपके पास काउंट है। यदि आप सोचिए यदि मैं फिल्टर कंडीशन नहीं लगाऊंगा तो मेरे पास लगभग ये मिलियन में होगा, देखिए 33 मिलियन। सो इसके कारण अपन क्या कर रहे हैं इसको भी अपन ने एक दूसरा सब क्यूरी बनाया है जहां पे कि मूवी आईडी बिटवीन 1 to 100 लिखा है मैंने एंड इसको भी मैं एक
ब्रैकेट के अंदर डाल के यहाँ पे अपन जनरली इसको हटा देते हैं, एंड यहाँ पे एंटर, यहाँ पे इसको लग देते हैं ब्रैकेट, एंड इसको लिख देते एज टॉप 99 मूवी रेटिंग MRAT, इस तरह का एक अपन ने एलियास दे दिया है। तो इनको या तो आप सब कैपिटल में लिखे या स्मॉल में, तो मैं सबको स्मॉल में लिखता हूँ, इसको भी टॉप एंड एम। तो इस तरह से मेरे पास अभी दो सब क्वेरी बन गई है। अपन क्या करना चाह रहे हैं, इस सोर्स ऑफ रो, तो इसका जो रो आ रहा है 99, इसकी जो रो आ रहा है, एंड दोनों को अपन ज्वाइन करके अपन रिजल्ट लाना चाह रहे हैं। अभी यहाँ पे लिख देंगे, तो क्या लिखूंगा मैं, सेलेक्ट फिलहाल मैं स्टार लिखता हूँ, सारा रिकॉर्ड आए, फ्रॉम कहाँ से, ये वाले टेबल से एंड ए वाले टेबल से, मतलब मेरे को दोनों को क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो मैं बोलता हूँ इनर ज्वाइन, किस पे करना है, ऑन, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो कर रहा हूँ वो मूवी आईडी की बात कर रहा हूँ कि टॉप 99 मूवी आईडी की। तो मैं इसको डाल दूंगा मूवी आईडी इक्वल टू मूवी आईडी, एंड दोनों की जो एलियास नेम है वो डाल देता हूँ यहाँ पर, एंड इस तरह से। तो टोटल मेरा क्या है, यहाँ पे 99 है, एंड यहाँ पे अपना कितना था, लगभग अपने पास कितना था, इसको काउंट ले लेते हैं अपन समझने के लिए, लिख के रख लेते हैं काउंट 1। इसका रिजल्ट था उसको अपन नोट कर लेते हैं, 8 लैक्स लगभग। यहाँ पे अपने को चाहिए स्टार, एंड नाउ इसको अपन रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि काउंट करके देखते हैं, हमेशा काउंट कि अपने पास कितना रिकॉर्ड आने वाला है, 1 या स्टार, तो हमेशा प्रेफर करते हैं अपन 1। यहाँ पे अपना होगा क्लोज, इसको रन करेंगे, तो देखिए क्यूरी चल रही है, मतलब अपने पास कोई सिंटेक्स एरर नहीं है। तो इस क्यूरी को अपन ने एक एलियास नाम दिया है, सब क्यूरी बनाया है, दूसरा सब क्वेरी को मैंने दूसरा एक एलियास बनाया है, एंड यहाँ पे देखिए मैंने ऑन कंडीशन पे इन दोनों को ज्वाइन किया है। तो कितना रिजल्ट आया है मेरे पास, 7922 7126। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये जनरली इसका एंड इनका मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो करके देख लेते हैं। तो रिजल्ट आया है, यदि सेलेक्ट क्या क्या है, 99 इंटू तो ये देखिए ये इसका रिजल्ट इस तरह से, ये देखिए मैच हो रहा है। तो अभी देखिए एकदम आसान हो गया, नहीं तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता, फिल्टर कंडीशन, बेहर कंडीशन, वो भी आसान तरीका है वो भी, लेकिन ये सिर्फ अपन समझ रहे हैं सब क्यूरी को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो इस तरह यदि मुझे थर्ड क्यूरी करना है, तो यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे सिंपल ज्वाइन, नॉर्मल टेबल रहेगा मेरा टेबल सी यहाँ पे, एंड उसको इनके साथ मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, या वहाँ पर भी मैं एक और सब क्यूरी लिख सकता हूँ। तो आप कितने भी नंबर ऑफ सब क्यूरी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया सेकंड रिक्वायरमेंट जहाँ पे कि ये होता है। तो ये दो रिक्वायरमेंट जो समझे हैं ये अपन कम यूज़ करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो सबसे ज़्यादा यूज करने वाला रहता है जो थर्ड कंडीशन है, जहाँ पे आप वेयर कंडीशन के साथ सब क्वेरी लिखेंगे। तो यहाँ पर भी यदि आपको सिंपल वेयर क्वेरी लिखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, वेयर आपका टॉप जो भी मूवी आईडी है, यहाँ पर भी फिर से आप कंडीशन डाल सकते हैं कि बिटवीन 1 to 10 का चाहिए या इक्वल टू 1 का चाहिए, इस तरह की कोई भी कंडीशन वो भी चलेगी आपकी प्रॉपरली। अब समझते हैं अपना, तो थर्ड रिक्वायरमेंट है जहाँ पे कि मैं जो वेयर कंडीशन के अंदर मैं सब क्वेरी यूज़ करूँगा। तो काफ़ी सारे हैं, अधिकतर अपन वो यूज़ करते हैं, अपन कहते हैं इन, नॉट इन, ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह की क्वेरी। तो उसको अपन थर्ड पॉइंट वो समझते हैं।
जो अपना थर्ड पॉइंट है एकदम सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे अपन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जहाँ पे कि अपने को ये जो इन क्यूरी है, यहाँ जो वेयर कंडीशन है यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अपना एक रिक्वायरमेंट है, एक सिंपल रिक्वायरमेंट है कि लिस्ट ऑफ मूवीज दोज परफॉर्म अबाव एवरेज परफॉर्मेंस। तो क्या होगा कि मुझे दो, इसकी दो रिक्वायरमेंट है, एक है आपका कि आपको एक एवरेज मूवी निकालनी है, एंड दूसरा निकालना है कि जो अबाव से ऊपर हो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्यूरी लिखेंगे, जहाँ पे अपन इसको लिखेंगे कि सेलेक्ट एवरेज रेटिंग फ्रॉम डेमो टेस्ट डॉट रेटिंग। तो इसका जो एवरेज है वो निकल जाएगा, एक एग्जांपल ले देते हैं कि मेरा 2.5 आ गया। अभी आपको क्या चाहिए कि जो सारी मूवी हैं वो इससे ज़्यादा, तो इसके कारण जो यहाँ बॉक्स लिख रहा है, यहाँ पर अपन सबसे पहले सब क्यूरी लिखेंगे एंड उसको फिट करेंगे, एंड जो मेन क्यूरी रहेगी वो रहेगी सेलेक्ट मूवी आई डी रेटिंग या स्टार फ्रॉम आपका जो भी टेबल है रेटिंग, वेयर रेटिंग ग्रेटर देन आपका इस रेटिंग्स है। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट रहेगी। अभी ये तो एक ग्रेटर देन का संभाल रखा है क्योंकि ये मेरा नंबर आने वाला है। तो कौन कौन से जो नंबर हैं उनके सिंबल क्या रहेंगे, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, तो वो समझेंगे। एंड इसके अलावा हो सकता है मेरा इन एंड नॉट इन, तो इन क्या रहेगा कि मेरा ये कोई आईडी है कि ये जो 10 आईडी है वो एग्जिस्ट करते हैं दूसरे टेबल में, तो वो क्या रहेंगे, वो क्या कॉलम रहेंगे, एक नंबर नहीं रहेगा। तो पहले उनको समझ लेते हैं डिटेल में कि कब नंबर आएगा, कब कॉलम आएंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, सारे जो भी सिंबल हैं उनको मैंने नोट करके रखा है। यदि अपन नया ओपन करें एक सेट, यहाँ पे देखिए जितने भी ऑपरेशन हो सकते हैं मैंने सबको ट्राई कराया हूँ कि आपके लिए नोट कर दूँ, तो यहाँ पे नोट किए हैं। अभी अपने को समझना है वन बाय वन, को मैंने अलग अलग सेशन में बनाया है। तो ये देखेंगे आपका जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे, जहाँ पे जो अपन ने न्यूमेरिक की बात की है उनका ऑपरेशन समझ रहे हैं, मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे है मेरे सिंबल जो वेयर कंडीशन में लगेंगे, सेकंड नंबर पे है आपका कि एक्सपेक्टेड क्या रहेगा, कॉलम रहेंगे यहाँ पे देखिए कॉलम या वैल्यू। तो आपका जो मैथमेटिक सिंबल आ रहा है मतलब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वैल्यू कर रहा हूँ एंड सिंगल वैल्यू कर रहा हूँ। जब भी मैं एक्सपेक्ट की बात कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है अपने पास टू वैल्यू आए, तो जो वैल्यू आएगी वो सिंगल वैल्यू आएगी, उससे ग्रेटर है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, वो इस तरह के ऑपरेशन रहेंगे। तो पहले नंबर का जो सिंबल है वो क्या दिखाता है, ग्रेटर देन वैल्यू, जो एग्जाम्पल समझा कि एवरेज से ज़्यादा, या दूसरा रहेगा कि मुझे एवरेज से कम या मैक्स से ज़्यादा, तो उसके लिए रहेगा लेस देन। यदि आपको इक्वल टू भी साइन करना है तो उसके लिए आपके पास इक्वल टू भी रहता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। यदि एग्जैक्टली मैच करना रहेगा रिजल्ट, आपको दो रिजल्ट से सब क्यूरी से एक सब क्यूरी लिखा एंड आपके पास रिजल्ट आया फॉर एग्जाम्पल 50 50, एंड इसको आपको मेन क्यूरी का रिजल्ट आया 50, उसके साथ मैच करना है इन दोनों को। तो यहाँ पे मल्टीपल हो सकते हैं कि 50 50, एंड यहाँ जो राइट साइड है हमेशा एक ही रिजल्ट आएगा इक्वल टू 50। एंड एक होता है नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू दो प्रकार से लिख सकते हैं, इस तरह से या इस तरह का सिंबल। ये हो गया मेरा सिंगल वैल्यू की बात कर रहे हैं। इसके बाद आएगा मेरा कॉलम कि मैंने 10 रिकॉर्ड का एक आईडी जनरेट किया था, वो आईडी को मुझे मैच करना है किसी और टेबल में। तो आप क्या लिखेंगे उसके अंदर, सेलेक्ट आईडी, ये जो आईडी आएगा फ्रॉम ए, मतलब क्या कर रहे हैं आप, कोई एक वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आप एक कॉलम की बात कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो आउटपुट का रहेगा आपका इन क्यूरी का, वो सिंगल कॉलम रहेगा, एक कॉलम रहेगा, एंड उसको इन के पहले एक कॉलम रहेगा आईडी, एंड आप उसके साथ मैच कर रहे हैं। इसका अपोजिट होगा कि ये जो 10 आईडी नॉट एग्जिस्ट है, तो जो इंटरव्यू के क्वेश्चन आते हैं आपको कई बार बोला जाएगा कि मेरे पास एक टेबल है वहाँ पे 1 से लेकर 10 रिकॉर्ड है, दूसरी में 1 से 100 है, आपको इस तरह की क्यूरी लिखना है कि आपको ये 10 रिकॉर्ड ए में है बी में नहीं है, या कौन से दोनों में मैच कर रहे हैं। तो इनको आपको सिर्फ ज्वाइन के अलावा किस से लिख सकते हैं, तो आप सब क्यूरी से लिख सकते हैं। तो उसका भी अपन एक एग्जाम्पल लेकर समझ लेंगे। ये तो हो गई जो कंडीशन। इसके अलावा आपके पास होता है तीन मेन कंडीशन होती हैं जो कि कॉलम के ऊपर वर्क करती है। जो कॉलम लेंगे, जो कॉलम आउटपुट आएगा, उनमें से मल्टीपल चॉइस के लिए कि मेरे पास तीन कॉलम है, तो आप बोल रहे हैं कि ऑल कंडीशन जो भी रिजल्ट आ रहे हैं 1 2 3, उन सबसे एक ग्रेटर वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा है एनी वैल्यूज है कि किसी एक से भी एनी, तो अपन ऑल एनी एंड सम, तो जो सम एंड जो एनी है ये लगभग एक से ही है, एकदम एक ही तरह का रिजल्ट देंगे, बट ऑल अलग रिजल्ट देगा। जब एग्जांपल लेंगे तो उसमें क्लियर होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एनी एंड ऑल में, एंड बाकी ये क्लियर है। तो पीजी एडमिन ओपन करते हैं एंड इनके एग्जांपल लेके समझते हैं। तो आप जो सब क्वेरी सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, ये कंडीशन ही आप यूज़ करने वाले हैं। तो पीजी एडमिन ओपन करते हैं। चलिए अपन ने पीजी एडमिन ओपन कर लिया है।
एंड सबसे पहले अपन समझते हैं अपन मूवी, एंड इसके अलावा अपने पास जो ऑर्डर टेबल था अपने पास वो स्मॉल टेबल है, तो उसके साथ अपन ये सारे ऑपरेशन एंड इन आउट को अपन समझते हैं। तो अपने पास क्या था, ऑर्डर, तो मैं ऑर्डर को ट्रैक कर लेता हूँ यहाँ पर, एंड अपने पास यहाँ पर रिजल्ट थे। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले ऑपरेशन समझ रहे हैं जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सिंगल वैल्यू एंड ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, इस तरह की सारी वैल्यू। तो पहले अपन इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या लिख रहे हैं, पहला एग्जांपल की ग्रेटर देन। तो अपन जो एवरेज की बात कर रहे हैं, सबसे पहले अपन बोल रहे हैं कि जिनका जो एवरेज अमाउंट है उससे ज़्यादा वैल्यू आए, ये रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले अपन सब क्वेरी का पहला पार्ट है जो फर्स्ट क्या करेंगे कि जो एवरेज है वो निकालेंगे। तो क्या निकालते हैं, सेलेक्ट एवरेज यहाँ पर फ्रॉम माय डेमो अंडरस्कोर टेस्ट टेबल, ये अपन ने समझा है। तो क्या हो जाएगा, मेरा जो एवरेज है वो निकल जाएगा, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अमाउंट की। तो 100, 200, 300, 400 इस तरह की वैल्यू है, इसका जो एवरेज आएगा वो आएगा आपका इस तरह की जो वैल्यू आई, ये आया यहां पर। एंड आप क्या लिख रहे हैं कि जो वैल्यू है वेयर, यदि आपको अपफ्रंट मालूम रहे तो आपको, नहीं तो क्या लिखना पड़ेगा कि जो अमाउंट है इस तरह का वो ग्रेटर देन एक पर्टिकुलर वैल्यू, यदि आपके पास ये वैल्यू है तो आप इस वैल्यू को लिख देंगे कि ग्रेटर देन दिस वैल्यू। तो आइडियली आप ये करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको हमेशा नहीं मालूम रहेगा कि ये अमाउंट क्या है, कि हो सकता है अभी कोई नया रिकॉर्ड ऐड कर दे। तो इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, जेनरिक बनाना है कि हर क्यूरी के लिए चले। तो उसके लिए अपन ने क्या लिखा, इसको एवरेज बनाया है ये वाला, एंड इस सब क्यूरी को अपन इसकी जगह यूज़ करेंगे यहाँ पर। एंड हमेशा जब भी आप एवरेज मैक्स मिन कर रहे हैं, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओनली वन रिजल्ट। तो यहाँ पे लिख देते ब्रैकेट में, तो अपने को समझ में आए। यहाँ पे अपन करते हैं क्लोज, एंड आप इसको रन करेंगे तो जो एग्जैक्ट जो अभी रिजल्ट था वही रिजल्ट आएगा, कि जो एवरेज आया मेरा 206 से प्लस 300, 400, 500 आया। तो ये क्या हो गया, मेरा ग्रेटर देन का सिंबल आ गया। अभी इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ लेस देन की। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि जो एवरेज से कम है, सिंबल सेम क्वेरी एवरेज एंड लेस देन सिंबल, तो इससे जो लेस देन है वो आएंगे आपके रिजल्ट। ये देखिए 206 से जो जो रिजल्ट है वो दे। इसी प्रकार यदि आपको इक्वल टू भी साइन करना है तो क्या करेंगे आप, लेस देन इक्वल टू यहाँ पर, ये देखिए। तो आप लेस देन एंड देन इक्वल टू की बात कर रहे हैं, यदि ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आपके जो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यदि 206.25 का कोई रिकॉर्ड रहता तो वो भी यहाँ पे आ जाता। आपको हमेशा जो ग्रेटर वाला है वो वैल्यू आगे रखना है, आप इस तरह नहीं कर सकते, तो ये सिंबल आपका नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको वो एरर देगा। ये देखिए कि ये सिंबल नॉट अवेलेबल। तो इसका क्या है, आपका हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, एंड आप बात कर रहे हैं नॉट इक्वल टू यहाँ पे। तो नॉट इक्वल टू में क्या आएगा, जो भी मेरे सारे रिकॉर्ड जाएंगे, क्योंकि अपने पास कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जो कि एवरेज के बराबर है। तो इसको ओपन कर देते हैं एवरेज की जगह मैक्स, तो मैक्स के अलावा मुझे सारे रिकॉर्ड चाहिए। तो मैक्स मेरा क्या है, 500, अदर 500 के अलावा सारे रिकॉर्ड चाहिए, तो उसके लिए ये वाला क्वेरी रन करेंगे। तो आपके क्या हो जाएंगे, 500 के अलावा सारे रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। तो ये हो गया आपका क्वेरी। तो हमेशा आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपके पास एक रिजल्ट आ रहा है एवरेज करके। यदि मेरे पास दो कॉलम लिख दूंगा, मैक्स एंड यहाँ पे एक और मिन, तो मेरा ये नहीं चलेगा, क्योंकि अमाउंट की बात कर रहा है मैं, मैक्स एंड मिन, एंड देन वो कन्फ्यूज होगा कि किसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो वो यहाँ पे कह रहा देगा सब क्यूरी मस्ट रिटर्न ओनली वन कॉलम, तो यहाँ पे अपन दो कॉलम रिटर्न कर रहे हैं। एंड यदि मैं मल्टीपल भी करूँ कि जो मैक्स है सारे अमाउंट इस तरह का, तो भी वो एरर देगा कि मोर देन वन रो रिटर्न बाई सब क्यूरी, क्योंकि अपने जो डायग्राम था वहाँ समझा है कि अपन एक वैल्यू की बात कर रहे हैं।
साथ ही मैं मेन करूंगा, तब ये प्रॉपर आपका वर्क करेगा इस तरह से। तो ये तो अपन ने जो डायग्राम समझा था उसमें अपन ने इसको समझ लिया है। अभी आप समझते हैं इन एंड नॉट इन, एंड उसके बाद इनको कंपेयर करते हैं ऑल सम एंड एनी को। तो इन एंड नॉट इन सेकंड नंबर पे है अपना इन, एंड देन नॉट इन इन सब क्वेरी। तो इनके लिए अपना सिंपल अपना वो एग्जांपल लेते हैं जहां पे अपने पास क्या है, मूवी है एंड रेटिंग है। किसी एक मूवी का मुझे रेटिंग में देखना है वाया सब क्वेरी। क्या था अपने पास, मूवी एंड रेटिंग। तो मेरे को रिक्वायरमेंट है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो मूवी है, जहाँ पे मेरे पास एक मूवी नेम है कि टॉय स्टोरी, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि टाइटल इक्वल टू जो मूवी है मेरे पास, इस मूवी की सारी रेटिंग चाहिए, रेटिंग टेबल्स है इनक्वायरी के थ्रू। तो क्या रिक्वायरमेंट है कि ये जो मेरा रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे मूवी मिला, इसमें जो है मूवी, तो जो आईडी आ रहा है यहाँ पे आईडी 1, इसमें सारी रेटिंग में कितना है। तो इसका जो रिजल्ट आया क्या आया, मूवी आईडी मेरे पास मिली है 1, मूवी आईडी इक्वल टू 1 मिला है, एंड 1 में बेयर कंडीशन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन कंडीशन में कि जो टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो रेटिंग है यहाँ पे, काफी रिकॉर्ड रहेगा, लिमिट 10 करते हैं, लिमिट 10, एंड यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो आईडी है वो क्या होना चाहिए, इसमें भी वेयर जो मूवी आईडी है इक्वल टू 1, ये मेरा रिक्वायरमेंट है। इसको अपने को लिखने को बोला गया है कि सब क्यूरी से लिखना। ये देखिए मेरे पास 5357309 रिकॉर्ड है, 5357309, इसको अपने को सब क्यूरी में लिखना। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि ये कंडीशन तो मेरे पास है ही कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो टाइटल है क्या है, स्टोरी आईडी। तो अपना जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि मेरी सारी जो रेटिंग है वो इस मूवी के लिए डिस्प्ले करे, इंस्टेड ऑफ ये हार्ड कोड वैल्यू अपन ने लिखा है मूवी आईडी इक्वल टू 1, क्योंकि मूवी आईडी 1 अपने को नहीं मालूम है, अपने को मालूम है कि मूवी का नेम टॉय स्टोरी 1995, मतलब ये आपका सब क्वेरी में जाएगा। तो आपने क्या लिखा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो टेस्ट डॉट रेटिंग वेयर मूवी आईडी, एंड ये आपका हट जाएगा यहाँ से, एंड इसको अपन एंड इसका आएगा आपका इन कंडीशन की बात कर रहा है, इन जो काय में है मेरा मूवी के लिए। तो मूवी में क्या है मेरे पास, ये रिजल्ट है मूवी का नेम के साथ, लेकिन यहाँ पर स्टार की जगह क्या अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सिंबल सिंगल कॉलम जो कि है मेरा मूवी आईडी। तो जो मूवी आईडी आएगी इसके लिए, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक मूवी आईडी 1, एंड वो 1 यहाँ पे इन में चलेगा मूवी आईडी। तो यहाँ मूवी आईडी इन 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे मल्टीपल भी हो सकते हैं, आप मल्टीपल 2-3 मूवी लिखेंगे तो 3 मूवी का रिजल्ट आएगा। आपका क्या रिक्वायरमेंट है, सिंगल कॉलम होना चाहिए आपके पास रिजल्ट में, मल्टीपल आपके पास रो हो सकते हैं। इसको रन करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो एग्जैक्टली अभी आपने रन रिजल्ट किया था 5709, सारा रिकॉर्ड यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये कंडीशन बन गई है आपके पास इन। दूसरा कंडीशन है आपके पास नॉट इन। तो जस्ट इन का जो अपोजिट है कि नॉट इन, मतलब जो आपको क्या चाहिए, इस मूवी के अलावा सारी रेटिंग चाहिए। यदि मैं इसको रन करूंगा तो काफ़ी टाइम लेगा, तो अपन इसको उल्टा करते हैं कि जो मूवी आईडी डेमो सेस वे टाइटल नॉट इक्वल टू, ये वाला रिजल्ट आए यहाँ पर तो क्या होगा, तो सारे तो आई स्टोरी के अलावा सबका रिजल्ट यहाँ पे आएगा 2, 3, 4, 5, एंड उसको बोल रहा हूँ कि नॉट इन, एंड इसको आप रन करेंगे तो आपका देखिए एग्जैक्टली सेम रिटर्न आया। तो जो अपन ने इन लिखा था उसी का रिजल्ट अपन ने बना लिया। कैसे बनाया, इसको नॉट इन कर दिया,
यहाँ पे इसको भी नॉट कर दिया, तो इसका जस्ट अपोजिट क्वेरी लिखा। तो आप इन एंड नॉट इन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं डिपेंड ऑफ आपकी बिहेवियर कंडीशन। तो नॉट इन मतलब जो कि इसमें अवेलेबल नहीं है, तो अपन क्या देख रहे हैं नॉट इन इस तरह का। तो आइडियली आपका नॉट इन इस तरह से काम करेगा कि जो टॉय स्टोरी के अलावा सारी है, तो इस तरह से तो आपके वो करीबन 33 लाख रिकॉर्ड आएंगे। तो ये हो गया आपका इन एंड नॉट इन। अब जो लास्ट कंडीशन थी जहाँ पे की था ऑल, एनी एंड सम, उनको समझते हैं, उनमें डिफरेंस समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनके एग्जांपल समझते हैं एंड तीनों में अपन डिफरेंस समझेंगे। तो एक साथ थोड़ा कन्फ्यूजिंग रहेगा लेकिन ध्यान से देखिएगा। तो अपना सिंपल रिजल्ट लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो टेस्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे अपने पास टोटल 8 रो हैं जहाँ पे मेरे पास ऑर्डर आईडी है। तो ऑर्डर आईडी क्या क्या है मेरे पास, यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3। तो अभी मुझे सबसे पहले यूज़ करना है ऑल कंडीशन। तो ऑल में क्या किस तरह से यूज़ करूँगा मैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस यहाँ पर वेयर ऑल, किसके लिए, ऑर्डर आईडी के लिए। तो मैं इसको बोलता हूँ कि जो ऑर्डर आईडी है वो ग्रेटर देन ऑल, किससे, यहाँ पे सेलेक्ट ब्रैकेट, अभी इस स्पेस छोड़ता हूँ, एक कॉलम लिखेंगे फ्रॉम, मेरा सेम टेबल है जहाँ पर कि मेरा ऑर्डर आईडी, जो ऑर्डर आईडी है ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, कोई भी मैं 2-3 आईडी ले लेता हूँ। तो मैं आईडी ले लेता हूँ अभी फ़िलहाल 12, 13 एंड 14। तो मैं ये रन करूँगा अभी, तो क्या आएगा मेरे पास रिजल्ट आएगा 12, 13, 14 का। तो क्या 3 रिजल्ट आएंगे यहाँ पर, ये देखिए सेलेक्ट, क्योंकि यहाँ पे अपन ने नहीं लिखा, लेकिन अपन किसकी बात कर रहा है ऑर्डर आईडी की, मतलब यहाँ पे इनके जो ऑर्डर आईडी रहेंगे। तो क्या आएगा 12, 13, 14, ये 3 रिजल्ट अपन एक्सपेक्ट कर रहा है फिलहाल अपनी क्यूरी में। रन करते हैं, क्या गड़बड़ किया है, वेयर ऑर्डर आईडी इन नहीं लिखा है अपन ने, ऑर्डर आईडी इन, एंड इसको ऑफ करते हैं एंड देन अपन रन करते हैं। तो आपके आए 12, 13, 14। अभी आप क्या बोल रहे हैं कि जो रिजल्ट आ रहा है उससे जो आप ऑर्डर आईडी इसमें सर्च करने वाले हैं वो सारे जो भी रिजल्ट हैं इन तीनों से ज़्यादा बड़े होने चाहिए, ऑल की बात कर रहे हैं, ऑल रिकॉर्ड की। तो आपके पास एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड आ सकते हैं क्योंकि आप इनर के अंदर इनर लिख सकते हैं, एक और इनर यहाँ पे लिखेंगे। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें जितने भी रिजल्ट आए सबसे बड़ी वैल्यू इनसे ये इसमें से अपने को वो सेलेक्ट चाहिए। तो अभी रन करके देखते हैं, तो अपन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ 14 से ज़्यादा बड़ा कौन सा है, सिर्फ मेरा एक 15 दिख रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1 रो, रन करके देखते हैं, क्योंकि मैं ऑल की बात कर रहा हूँ कि सारे रिकॉर्ड में कि जो रिकॉर्ड है वो 12 से भी बड़ा होना चाहिए, 13 से भी होनी चाहिए, 14 से भी होनी चाहिए। तो रन करते हैं, तो देखिए जो है 15 नंबर आया क्योंकि वो तीनों से बड़ा है। अभी दूसरे की बात कर रहे हैं अपन एनी, तो एनी मतलब इनमें से कोई सा भी। तो अभी देखिए पहला रिजल्ट आएगा 11 आएगा, यहाँ पे वो देखेगा कि रिजल्ट में क्या आया 12, 13, 14, इन एनी में ये बड़ा है 12, 13, 14 नहीं है, मतलब वो 11 को एक्सक्लूड कर देगा, नहीं प्रिंट करेगा। सेकंड नंबर पे आएगा 12 है लेकिन इक्वल टू साइन के साथ है, यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं है उससे, तो ये भी नहीं आएगा। अभी 13 आएगा क्योंकि अपन एनी की बात कर रहे हैं, मतलब ये जो 13 है वो 12 से बड़ा है, तो इसको ये प्रिंट करना चाहिए, 14 को एंड उससे ज़्यादा बड़े नंबर है वो सबको प्रिंट करना चाहिए। रन करके देखते हैं, तो इसको अपन ने रन किया है, अपने पास 3 रिजल्ट है, कौन कौन से, 12, 13, 14 एंड एनी के साथ रन कर रहे हैं, मतलब एनी मतलब कोई सा भी एक। तो देखिए आपका 13 आया, 13 क्यों आया, क्योंकि ये 12 से बड़ा है, एनी की बात कर रहा है, कोई भी एक से भी बड़ा है तब भी आ जाएगा। 13 आया, उसके बाद 14 आया क्योंकि 14 12 एंड 13 दोनों से बड़ा है, 15 आया क्योंकि इन तीनों से बड़ा है, इसके बाद जो भी नंबर रहते 16, 70, 100 एनी नंबर, वो सारे नंबर यहाँ पर प्रिंट करता। इसी प्रकार आपने समझा है एनी एंड सम दोनों एक सा रिजल्ट देंगे, क्योंकि सम मतलब कोई भी एक की बात कर रहे हैं, तो आप एनी लिखें सम लिखें, तो इसका रिजल्ट भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सेम, 13, 14, 15, ये देखिए सेम। यदि मैं कोई नया नंबर ऐड कर दूं, तो इसके पहले मेरे पास था एक 3 नंबर था, तो उसको भी ऐड करता हूं, तो इसमें जो रिजल्ट है
इसमें क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा यहाँ पे। एंड नाउ 11 को भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि 11 मेरा 3 से बड़ा है, तो इसको आप रन करेंगे तो देखिए आपका 11 भी यहाँ पे आ गया, क्योंकि अपन सम की बात कर रहे हैं। ऑल की बात करेंगे, ऑल मतलब इससे जो बड़े हैं, तो 3 से अपने पास डायरेक्ट 11 है, तो 3 की जगह अपन 2 डाल देते हैं, तो इसको मैं 3 को भी इंक्लूड, रिजल्ट आएगा उसका 3 नंबर का भी, नहीं क्योंकि सॉरी ऑल की बात कर रहे हैं मतलब सबसे बड़ा है, तो 2, 3, 14, 14 से बड़ा 15, तो एनी में आपका 3 भी आ जाएगा। ये देखिए आपका 3 भी आ गया क्योंकि वो 2 से बड़ा है, आगे आगे आ रहा है क्योंकि वो 2 से बड़े हैं, 12 से है, तो एनी नंबर एंड सम नंबर, तो ये तीनों में ये बेसिक डिफरेंस है। चलिए इसी का कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, तो अपन ने देखा था, अपन ने ये पहला समझा है, अभी अपन इक्वल टू की बात करते हैं कि जो मेरा इक्वल टू रहेंगे उस कंडीशन में वो किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पे एनी ऑल सबके लिए अपन इक्वल टू की बात करते हैं। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करिए एंड सोचिए कि आपका रिजल्ट क्या आया है, एंड उस रिजल्ट को मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड उसके बाद यहाँ से आगे बढ़िए। तो आप इक्वल टू ऑल कर रहे हैं, तो अभी देखिए अपन क्या बोल रहे हैं, इक्वल टू का जनरली अपन 1-to-1 मैच करते हैं कि 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, लेकिन यहाँ पे अपन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रिजल्ट आ रहा है आपके पास मल्टीपल वैल्यू आ रही है एंड आप सारी वैल्यू को बोल रहे हैं कि ऑल, तो ये कभी संभव ही नहीं है विदाउट एरे, क्योंकि आपकी वन वैल्यू में आप बोल रहे हैं 2, 4, 12, 13, 14 एक साथ इक्वल टू हो, तो आपका हमेशा ये जो रिजल्ट है आप कुछ भी करें यहाँ पे मेरे को कुछ भी रिजल्ट नहीं आना चाहिए, तो आपका ब्लैंक आएगा। यदि मैं यहाँ पे 3 भी ऐड कर दूँ, कोई भी नंबर ऐड कर दूँ, हटा दूँ, ये मेरा हमेशा क्या मिलेगा इस कंडीशन पे, आपको 0 मिलेगा। अभी बात करते हैं इसी कंडीशन पे एनी नंबर की, एनी लगाया या सम लगाया मतलब इनमें से जो जो मैच होंगे वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो प्रिंट करे, तो यहाँ पे इसको रन करते हैं एंड आपके जो जो मैच होंगे 2 हुआ 3 हुआ 14 12, इनमें से जो भी नंबर है उनमें मैच हुआ, यदि मैं इन दोनों को हटा दूं तो क्या होगा, मेरे पास जो नंबर है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे प्रिंट करके, ये देखिए तो 12 13 14। यदि कोई नंबर जो कि मेरे पास है ही नहीं है इस तरह का, उसको भी डाल सकता हूँ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मैच होंगे उनको इक्वल टू साइन करके वो दिखा देगा। तो यहाँ पे देखिए सिंगल मल्टीपल वैल्यू के लिए चल रहा है, चल हमेशा आपने देखा होगा इक्वल टू वन वैल्यू के लिए चलता है, लेकिन यहाँ पे अपन मल्टीपल वैल्यू के लिए भी चला रहा है इक्वल टू एनी। तो इस तरह से जो ऑल सिंबल है जितने भी, आप सबको प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट में आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, यदि आपको थोड़ा भी सीखने को मिला है प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू, बाय।